Now, cultural and educational rights. India is a big country with many cultures and traditions, and our constitution respects its diversity. So, India में जैसे हमने पढ़ा बहुत सारे cultures है, traditions है, and our constitution सबको equal ही rights देता है. Every citizen of India is allowed to follow his or her own beliefs, customs and traditions. एवरी सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, उसमें गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा. आपकी खुद की जो बिलीफ है, जैसे कि कोई कुछ और पूजा करता है, कोई किसी और भगवान को पूजा करता है, किसी के रिलीजन अलग होते हैं, किसी के सिस्टम अलग होते हैं. जैसे हमारा न्यू ईयर कभी होता है, बट आप किसी दूसरे स्टेट में जाओगे तो उनका न्यू ईयर कभी अलग होता है ना. तो मीन्स हमारे गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें इंटरफेयर नहीं करता है. वी आर अलाउड टू फॉलो आवर बिलीफ्स एंड कल्चर्स. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स मेनी कम्युनिटीज. दिस ग्रुप्स हैव बीन द राइट टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड टीच देयर कल्चर. हाँ, तो इंडिया में ये भी अलाउड है कि कोई भी रिलीजन अगर अपना सब कुछ सिखाना चाहे, सो दे कैन टीच. ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हम बना सकते हैं जिसमें हम अपने ट्रेडिशंस दूसरों को सिखा सकते हैं. ओके, द गवर्नमेंट विल ऑल्सो नॉट इंटरफेयर इन दिस मैनर. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट बॉडी ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, सो नाउ हु प्रोटेक्ट्स दिस लॉज? These are protected by the Supreme Court. If somebody interferes in this, कोई आपको अगर उसमें interfere कर रहा है आपके जो rights है वो enjoy करने में, तो to whom you will go? You will go to the Supreme Court. So Supreme Court is the highest body of law to protect these fundamental rights. A citizen of India can go to the Supreme Court or the High Courts if he she feels that his or fundamental rights have been taken away. ठीक है. Right to education. The Right to Education Act came into effect on April 1st, 2010. The aim of the government was to increase the literacy rate in India by providing free education to children up to the age of 14 years. Okay. So the government schools are providing free education to 14 years. ठीक है, government जो है वो अपने schools में free education देता है up to the age of 14. और ये act कब आया? On April 1st, 2010. Why? Because to increase the literacy rate. मतलब बहुत लोग हैं जो मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, है ना? They cannot. So Government has introduced this right on April 1st, 2010 ताकि literacy rate जो है हमारे देश का मतलब ज़्यादा बच्चे पढ़ पाए. Next, we will proceed to the fundamental duties. What duties we should follow as a citizen? Every citizen of India is entitled to the fundamental rights, but we have to perform certain duties also. हाँ, आपको फंडामेंटल राइट्स तो मिलती ही है, बट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो सम फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो. राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड. दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सम ऑफ दिस ड्यूटीज आर लिस्टेड बिलो. सो व्हाट ड्यूटीज यू शुड डू वो हम अभी पढ़ेंगे. ओके, लेट्स लर्न. We must abide by the rules laid by your constitution. Okay, इससे पहले हमने जो rules देखे थे है ना, वो तो आपको follow करने ही पड़ेंगे. अगर आप अपना constitutional duties जो है वो follow नहीं करोगे तो Supreme Court भी आपको protect नहीं करेगा. We must respect our national anthem as well as our national flag. National anthem हमारा जो है जनगणमन, and our national flag, we all respect it, we should respect it. We must promote peace and harmony. Shanti, peace means shanti, or harmony means mil jul ke rehna padega, shanti se rehna padega, bilkul jhagda nahi karna hai. Unfair means hame nahi adopt karne hai. We must protect and preserve our national heritage.
नेशनल हेरिटेज के बारे में हमने पहले पढ़ा था, है ना, जो बिल्डिंग्स होते हैं जैसे लाल किला, ताजमहल, वो सब, उनका हमें प्रोटेक्ट करना है. एवरीथिंग नेशनल हेरिटेज में जो जो आता है, जैसे जामनगर में जो जो है ना नेशनल हेरिटेज, वो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज ही तो है, उनको हमें बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है. वी मस्ट वर्क टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ आवर नेशन. सबको मिलजुल के रहना है, गवर्नमेंट हमें जैसे बोलता है वैसे हमको रहना पड़ेगा. एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट डैमेज इट. वी मस्ट अवॉइड वायलेंस. वायलेंस बिल्कुल हमको नहीं करना है, ठीक है. वायलेंस मीन्स किसी के साथ मारपीट या वो सब हमें नहीं करना है, ठीक है. सो अप टू दिस मच वी विल लर्न टुडे. नेक्स्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो.